जो है इसका आयोजन किया और हमें इस बात की खुशी है क्योंकि पूरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं में समाज के अंदर जो है एक बात चलती थी कि हमारे समाज के संगठन बहुत बन गए हैं, इसलिए जो है किस संगठन के साथ जुड़े, किस संगठन के साथ काम करें और किस संगठन के नेताओं का स्वागत करें। हालांकि हम ये बात कहकर टाल देते थे, हर समाज के अंदर जो है बहुत से संगठन बने हुए हैं, लेकिन कुछ हमारे समाज के लोग जो है चिंतक ज्यादा है, इसलिए जो है इस बात की चिंता उन्हें ज्यादा होती थी। मुझे इस बात की खुशी है कि हमने जो है प्रयास शुरू किए। पहले माननीय सुरेश गर्ग जी बैठे हैं, पंचकुला से अध्यक्ष है, अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन के जो है हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष है। हमने इनसे चर्चा की तो इन्होंने तुरंत जो है हाँ कर दी कि हम जो है इस उद्देश्य के लिए हरियाणा प्रदेश वैश्य महासम्मेलन के साथ मिलकर इस वैश्य संकल्प रैली को कामयाब करने का काम करें। फिर हमने बात की बजरंग गर्ग जी से, मैं उमेश जी और सुरेश जी जो है उनके पास हिसार गए, वहां पर हमारी लंबी बैठक हुई और हमने जो है मिलकर, बजरंग जी ने भी कहा कि मैं भी ये चाहता हूं कि समाज के हितों के लिए, समाज के उद्देश्यों के लिए हमें सभी एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाकर सभी को मिलकर जो है समाज की भलाई के लिए, समाज के उत्थान और कल्याण के लिए काम करना चाहिए। आज जो है हमें इस बात की खुशी है कि हरियाणा प्रदेश में मैं समझता हूं कि लगभग जो है 4 या 5 संगठन है, 4 या 5 संगठनों में से 3 संगठन जो है एक प्लेटफॉर्म पर आकर इस वैश्य संकल्प रैली को कामयाब करने का हम सब जो है प्रयास कर रहे हैं। और आज ये आयोजन समिति की बैठक में उपस्थिति, हम तो सोच रहे थे कि भाई उपस्थिति जो है 50-60 से ज्यादा नहीं होगी, लेकिन आज मुझे खुशी है कि हमारी आयोजन समिति की पहली बैठक में हमें जो है और कुर्सियां लगवानी पड़ी, इसलिए जो है इस बात का द्योतक है, इस बात का अब संकेत है कि ये वैश्य संकल्प रैली जो है हरियाणा प्रदेश में एक इतिहास रचने का काम करेगी, वैश्य समाज को एक सूत्र में पिरोने का काम करेगी। और इसकी तैयारी के लिए हम सब ने मिलकर यह तय किया था कि एक मोटरसाइकिल चेतना यात्रा जो है निकाली जाए, ताकि वो गांव गांव कस्बे कस्बे में जाकर, शहर में जाकर इस रैली का निमंत्रण जो है समाज के लोगों को दे, क्योंकि किसी भी रैली को करने के लिए एक वातावरण का निर्माण करना पड़ता है, एक वातावरण बनाना पड़ता है और लोगों के अंदर जो है कौतूहल और उत्सुकता पैदा करनी पड़ती है। मैं कल रात को 7 बजे जो है बेरीगा में पहुंचा था, मंदिर में माथा टेकने के बाद जो है कुछ कार्यकर्ताओं का आग्रह था कि उनके जो है निवास पर मैं गया, वहां पर समाज के जो है 10-15, क्योंकि बेरी में कुल 90 परिवार है, 10-15 लोग जो है प्रबुद्ध लोग वहां पर एकत्रित हुए और उन्होंने कहा कि एक बस हमारी तरफ से जो है यहाँ से हम भर के पूरी तरह से भेजेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि हमारे प्रयासों से ज्यादा बढ़ चढ़ कर लोग जो है आज इस बात के लिए तैयार है कि हम 1 अक्टूबर को जींद अवश्य पहुंचेंगे। तो इसलिए मेरा निवेदन है कि हम आयोजन समिति के सदस्य मिलकर तय करेंगे, आज जो मोटरसाइकिल चेतना यात्रा निकलेगी, उस यात्रा का जितना भव्य स्वागत शहरों के अंदर होगा, जितना भव्य स्वागत जो है कस्बों के अंदर होगा, उससे जो है लोगों के अंदर एक जो है उत्साह पैदा होगा और सब लोगों को इस बात के अंदर जो है उत्सुकता बनेगी कि हमें जो है जींद अवश्य चलना चाहिए, क्योंकि हमारे समाज में आज मैं समझता हूं कि असुरक्षा की भावना, चाहे राजनीतिक रूप से हो चाहे व्यापारिक रूप से हो, राजनीतिक असुरक्षा की भावना जो है भर करती जा रही है। मैं कल जो है जैसे मैंने कहा कि बेरी में था, तो वहां से हमारे समाज के प्रदीप है जल्वा, 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 जल्वा।
जाएगी देर, हो जाएगी देर, जाओ वैश्य जाओ वरना हो जाएगी देर, कर लो दुनिया मुट्ठी में एक हिस, हो जाओ वैश्य शेर, कर लो दुनिया मुट्ठी में एक हिस, हो जाओ वैश्य शेर। दुनिया में कोई पूछ नहीं, सत्ता में रहे भागे जारी, पर न कभी तुम दोस्त नहीं। जय जय वैश्य समाज, बिना राज के कुछ नहीं, दुनिया में कोई पूछ नहीं, सत्ता में रहे भागे जारी, पर न कभी तुम दोस्त नहीं। वैश्य समाज की ताकत के आगे सारे विरोधी थे, कर लो दुनिया मुट्ठी में एक जुट, हो जाओ वैश्य शेर, तुम जानो वैश्य जानो वरना हो जाएगी देर। वैश्य का किसी से पैर नहीं, कोई जात धर्म तो गैर नहीं, शांति के भी दूत है हम, दुश्मन की तो खैर नहीं। जय जय वैश्य समाज, वैश्य का किसी से पैर नहीं, कोई जात धर्म तो गैर नहीं, शांति के भी दूत है हम, दुश्मन की तो खैर नहीं। वैश्य समाज जिंदाबाद, मौका परस नेताओं से कह दो न देंगे मौका फिर, कर लो दुनिया मुट्ठी में एक जुट, हो जाओ वैश्य शेर, तुम जाओ वैश्य जाओ वरना हो जाएगी देर। जींद में होने वाली वैश्य संकल्प रैली की तैयारियों के लिए पूरे प्रदेश की आयोजन समिति की बैठक हुई है और इसमें सभी ने जो है बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं, चाहे मोटरसाइकिल चेतना यात्रा हो जो पूरे प्रदेश में जाएगी 15 सितंबर से लेकर 25 सितंबर तक, और रैली की तैयारियों के बारे में विस्तृत चर्चा हुई है। इस रैली में लगभग जो है अनुमानित हमारे जो है 25,000 पूरे प्रदेश से वैश्य समाज के लोग जो है शिरकत करेंगे, और इस रैली का मकसद हमारे जो वैश्य समाज के लोग हैं, व्यापारी हैं, उनकी सुरक्षा का इंतजाम हो, जो हमारे गरीब परिवार हैं उनकी शिक्षा का इंतजाम हो, और कैसे जो है राजनीतिक चेतना समाज के लोगों में जागृत हो और ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमारे समाज के लोग राजनीति में भागीदारी करें, राजनीति में उनके हक मिले और वे विधानसभा और लोकसभा में पहुंचकर समाज को मजबूती प्रदान करने का काम करें, इसके लिए जो है इस रैली का आयोजन किया जा रहा है। तो किस तरह का मैसेज समाज को आप देना चाहेंगे? देखिए, समाज को जो है, क्योंकि जो समाज संगठित होता है वही समाज जो है शासक होता है, इसलिए हम समाज के लोगों के बीच में जाकर यही कह रहे हैं कि हमारा जो है व्यापार है, हमारा काम है,
वो तभी बचेगा जब हमारे समाज का संगठन मजबूत होगा। आज किसी भी वैसे समाज के व्यक्ति पर कोई आपदा आती है, कोई उसके साथ घटना घटती है, समाज के लोग जो है उसके साथ खड़े हों, इसका हमारा जो है प्रयास है। लगभग जो है सभी जिलों से लोग आए हुए हैं और हमारा हरियाणा प्रदेश वैश्य महासम्मेलन, अखिल भारतीय जो अग्रवाल संगठन है, हमारा जो है अग्रोवा विकास संगठन है, सभी के जो है पदाधिकारी इसमें शामिल हैं और सभी जिलों से लोग आए हैं।